हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक बिला में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ जूम ऐप ट्यूटोरियल। जूम ऐप ट्यूटोरियल इन हिंदी। दोस्तों जूम क्लाउड मीटिंग ऐप या सिर्फ जूम ऐप को कैसे यूज करना है, कैसे इसमें आपको जो है वीडियो कॉल्स करना है, वीडियो मीटिंग्स करना है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्ले स्टोर में आपको ये अवेलेबल है इस नाम से, जूम क्लाउड मीटिंग के नाम से। इसको करेंगे हम डाउनलोड और करने के बाद में इसको करेंगे हम ओपन। दोस्तों इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऐप काहे के काम आता है। तो मैं जैसा कि नाम में ही लिखा है जूम क्लाउड मीटिंग, मतलब यहाँ पे आप मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। क्लाउड मतलब आप अलग अलग लोकेशंस में रह के आप जो है मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं और अलग जगह से आप जो है लोगों के अपने मोबाइल और स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ में उनको फाइल भेज सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, बहुत कुछ इसके अंदर में आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। जैसे ही दोस्तों आप इसको ओपन करेंगे, आपके सामने नीचे तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ज्वाइन अ मीटिंग, साइन अप और साइन इन। तो दोस्तों ज्वाइन अ मीटिंग जो है इस पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन अ मीटिंग जो ऑप्शन है वो इसलिए यूज होता है अगर आपके किसी और व्यक्ति ने, मैनेजर ने आपकी मीटिंग क्रिएट की है और आपको एक मीटिंग आईडी आपको दी जाएगी। उस मीटिंग आईडी को आपको यहां डालना है और ज्वाइंट मीटिंग पे आपको क्लिक कर देना है और आपकी मीटिंग जो है ज्वाइंट आप हो जाएगी। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है साइन अप का। साइन अप के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको साइन अप करने का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डाल देना होता है। तो वो हम यहां पे डाल देते हैं। दोस्तों इसके पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, फूरे गेट मोर गूगल रिव्यूज। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने गूगल पेज का या बिजनेस पेज का रिव्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना तो फूरे ऐप को आपको करना होगा डाउनलोड और इसके थ्रू आप जो है ज्यादा से ज्यादा अपने रिव्यूज बढ़ा सकते हैं और रिव्यूज बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे आपके ग्राहक और बढ़ेगा आपका बिजनेस। तो भूलिए मत और डाउनलोड करिए फूरे ऐप। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है डालने के बाद में सारी चीजों को, और आपको एक जो है मेल आईडी में आपके मेल आएगा वेरिफिकेशन का। तो हम अपनी मेल आईडी में चले जाते हैं और यहाँ पे एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। मेल आईडी में एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसके अंदर में आपको एक अपर केस मतलब बड़ा लेटर, लोअर केस छोटा लेटर आपको लेना है और इसके साथ में आप एट द रेट और नंबर्स को इंक्लूड करना है। करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो पासवर्ड हमने क्रिएट कर लिया है और कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। करने के बाद में जो है हमारा अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद में आपको यहाँ पे जो है तीन ईमेल आईडी दी जाएंगी, जिसके अंदर में आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं जिन जिन को आप मीटिंग में इनवाइट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम वापस चले आते हैं मोबाइल ऐप में। जाने के बाद में हम यहाँ पे अपनी आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं और लॉगिन कर लेते हैं अपने मोबाइल ऐप के थ्रू, क्योंकि अभी जो हमने साइनअप प्रोसेस किया था वो प्रोसेस किया था हमारे ब्राउज़र के थ्रू। तो यहाँ पर हम अपनी आईडी और पासवर्ड डाल लेते हैं। साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों साइन अप होने के बाद में यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा, एक ऑप्शन यहाँ पे आता है कि डू यू वांट टू ऐड फिंगरप्रिंट। अगर आप फिंगरप्रिंट से साइन इन करना चाहते हैं तो उसको वहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों ऊपर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। न्यू मीटिंग का ऑप्शन है जिस पे क्लिक करके आप जो है नई मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो ऑन का एक ऑप्शन है, वीडियो ऑफ कर सकते हैं। यूज़ पर्सनल मैसेजिंग आईडी यहाँ पे दी हुई है, इस आईडी को भेज के आप दूसरों को इनविटेशन में ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ की खुद की आईडी, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं बाद में। इसके बाद में दोस्तों ज्वाइन का ऑप्शन है, ज्वाइंट का ऑप्शन में आपको वो मीटिंग आईडी डालनी है जो दूसरा व्यक्ति है उसको मीटिंग आईडी यहाँ डालेगा, और डालने के बाद में जैसे ही ज्वाइंट मीटिंग पे क्लिक करेगा तो वो वहाँ से आपकी मीटिंग में ज्वाइन हो जाएगा और आप वीडियो कॉल में अपने साथ में उसको भी देख पाओगे, उसकी भी बातें सुन पाओगे, मीटिंग कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में शेड्यूल का ऑप्शन है। शेड्यूल के ऑप्शन में आप जो है अपनी मीटिंग को यहाँ पे जो है शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ पे अपनी मीटिंग का नाम डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए, कब से लेके कब तक मीटिंग होएगी, कितने बजे से कितने बजे तक, रिपीट होएगी कि नहीं होगी, ये सारी सेटिंग आप यहाँ पे करने के बाद में शेड्यूल कर सकते हैं अपनी मीटिंग को, जो आपको टाइम आपका है उस हिसाब से। इसके बाद में शेयर स्क्रीन का एक ऑप्शन यहाँ पे है, जहाँ से आप क्लिक करके शेयर की और मीटिंग आईडी यहाँ पे अपनी बना लीजिए और अपनी आईडी को किसके साथ शेयर करना है उसको आप वहाँ पे शेयर करा सकते हो। जैसे मीटिंग आईडी भी डाल सकते हो, जैसे दूसरे व्यक्ति की मीटिंग आईडी है वहाँ पे आप अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे मीटिंग आईडी डाल दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो आपकी जो मोबाइल की या आपके लैपटॉप की स्क्रीन है वो वहाँ पे शो होनी लगेगी। इसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे मीटिंग एंड चैट का, जिसकी आपने अभी तक ये ऑप्शन ऊपर के देखे। इसके बाद में मीटिंग का एक सिंगल ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आपको स्टार्ट मीटिंग पे क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्लिक करके आपकी मीटिंग स्टार्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग मीटिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन ओपन हो चुकी है और ये कनेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मीटिंग एंड करना चाहते हैं तो बैक टू मीटिंग में जाइए, जाने के बाद में इसको साइड पे क्लिक करिए और एंड पे क्लिक कर दीजिए और मीटिंग पे क्लिक।
कर दिया, आपकी मीटिंग बंद हो चुकी है। इसके बाद में मीटिंग वाले ऑप्शन में आपको बता रहा था, सेंड इनविटेशन का एक ऑप्शन है जिसमें आप सेंड इनविटेशन को सेंड कर सकते हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आउटलुक, जीमेल, मैसेजेस, मैसेंजर, ट्रू कॉलर, है ना। तो अगर आप मैसेंजर से करना चाहते हैं तो चलो सपोज हम मैसेंजर से किसी को सेंड करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे क्लिक करके उसका नाम यहाँ पे सर्च करिए और उस पर सेंड पे आपको जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों बैक आप चले जाइए, इनविटेशन आपने पॉइंट वहाँ भेज दिया है, वहाँ से वो व्यक्ति ज्वाइंट हो जाएगा आपकी मीटिंग में इनविटेशन कोड को डाल के। एडिट का ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने इनविटेशन कोड का यहाँ पे जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है, इसके अलावा मीटिंग पासवर्ड दिया हुआ है, इसको आप जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, इनपुट पासवर्ड डाल सकते हैं। अगर आप और सिक्योरिटी चाहते हैं कि आपका मीटिंग आईडी सबके पास में है लेकिन पासवर्ड अगर आप जिसको देंगे वही आपकी मीटिंग ज्वाइन कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। नीचे अलावा और भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे वेटिंग रूम बनाया हुआ है, अलाउ ज्वाइन बिफोर होस्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग दिया हुआ है जिससे आप अपनी मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया है जिसमें आप यहाँ पे जो है अपने फ़ोन कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आपकी लिस्ट यहाँ सामने आ जाती है और उससे आप जो है अपने कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। देश विदेश जहाँ से भी आप लोगों को ऐड करना चाहते हैं वहाँ का आपको कोड डालना होगा और कोड डालने के बाद में उसका नंबर डालना है और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आप जो है उनको अपने साथ में ज्वाइन करवा सकते हैं। ऐड कॉन्टैक्ट का ऊपर ऑप्शन ऑलरेडी दिया है जहाँ पे कॉन्टैक्ट और चैनल का ऑप्शन दिया है, प्लस पे आपको क्लिक करना है, ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालेंगे और उस व्यक्ति को यहाँ से कॉन्टैक्ट में ऐड कर लेंगे। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन नीचे सेटिंग का दिया है जिसके अंदर में कॉन्टैक्ट की सेटिंग है, मीटिंग की सेटिंग है, चैट की और अबाउट की। मीटिंग की सेटिंग में आपको बहुत सारे फीचर्स इन्होंने दिए हुए हैं जिसमें आपको कनेक्टेड टाइम दिखाना हो या नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट का जो है आप अलाउ करना चाहते हैं तो उन सब के अवतार यहाँ पे आप देखें ना देखें, अलग अलग आपको ऑप्शन दिए हैं। कॉपी ऑटो कॉपी मीटिंग लिंक का आप जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया है। इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पे जो है सेटिंग में जाके कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा मीटिंग स्टार्ट कैसे करना, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और मीटिंग स्टार्ट करते टाइम आपको जो है ऊपर रिफ़्रेश का ऑप्शन बार बार आता है, चाहे तो आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं और स्टार्ट पे बस आपको क्लिक कर देना है अपनी मीटिंग। वहाँ से दूसरे बंदे को आप लैपटॉप से ज्वाइन करा सकते हैं, मोबाइल से ज्वाइन करा सकते हैं, जैसे चाहे ज्वाइन करा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए बने रही हमारे चैनल।